हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले मेरे ट्रेडिंग का टूर। इस पर्टिकुलर जैसे कि वीडियो में हम देखने वाले कौन से स्क्रीन क्या चीजें मैं यूज करती हूँ, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट स्टार्ट करते जो भी मेरे ट्रेडिंग के सेटअप में सबसे बड़ी स्क्रीन है, इस स्क्रीन से स्टार्ट करते। इस स्क्रीन पर्टिकुलर 42 इंचेस की स्क्रीन है, सैमसंग ब्रांड की स्क्रीन है। एंड ये स्क्रीन सबसे पहले जब मैंने ट्रेडिंग में सबसे बड़ा प्रॉफिट किया था, एक प्रॉफिटेबल एंड एक प्रो लेवल के ऊपर आने के बाद ये स्क्रीन मैंने परचेस की थी। तो पर्टिकुलर स्क्रीन की खासियत क्या, बड़ी स्क्रीन है तो एंड एक स्मार्ट मॉनिटर है। पर्टिकुलर ये नॉर्मल मॉनिटर नहीं, स्मार्ट मॉनिटर है। स्मार्ट मॉनिटर मतलब इसमें अमेजोन, नेटफ्लिक्स, देन उसके बाद यूट्यूब, ये सब चीजें इस स्मार्ट मॉनिटर के ऊपर आ जाते हैं। तो एक स्मार्ट मॉनिटर है, नॉर्मल नहीं है। मतलब आप इसको आप रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते या कीबोर्ड से भी कंट्रोल कर सकते। इस पर्टिकुलर मॉनिटर मैंने 55,000 में परचेस किया था। ऑलमोस्ट इस मॉनिटर को 2 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं। एंड एक यूजफुल स्क्रीन है, सबसे बड़ी स्क्रीन है। तो हमें जो भी ट्रेडिंग के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, प्लस मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करती हूँ, ज्यादा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर भी मेरा फोकस होता है। तो इस पर्टिकुलर मॉनिटर के ऊपर मुझे जो बड़े टाइम फ्रेम में ग्राफ देखने, एंड इसमें 4 स्क्रीन भी हम ट्रेडिंग व्यू के वर्जन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो इजिली मैं यहाँ पे देख सकती, मतलब हमारा जो लैपटॉप होता है इजिली उसके 5 स्क्रीन इसमें डिवाइड हो जाएंगे। तो मेरे ट्रेडिंग सेटअप की सबसे बड़ी स्क्रीन है। अभी इसके लिए एक सीपीओ, यहाँ पे मैंने इस स्क्रीन के लिए एक अलग से सीपीओ रखा है। इस सीपीओ से स्क्रीन कनेक्ट हो जाती है। देन यहाँ पे मैंने कोई म्यूजिक सिस्टम भी रखा है, लाइक ट्रेडिंग करते समय कभी भी बोर हो जाते तो यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम। एंड इसी स्क्रीन के नीचे टेबल भी रखा है, क्योंकि यहाँ पे जब भी काम करते तो टेबल की रिक्वायरमेंट होती है। एंड पर्टिकुलर यहाँ पे इस टेबल के सामने मैंने एक छोटी बार चेयर रखी है। तो एक चेयर जैसे कि पर्टिकुलर टेबल के रखी है। यहाँ पे कीबोर्ड वगैरह यहाँ से ऑपरेट होता है। एंड जब भी लाइक ट्रेडिंग नहीं करे, फ्री है, बोर हो रहे, तो कभी बुक्स भी रीड करती हूँ मैं। इस टेबल के ऊपर मैंने कुछ बुक्स रखे, आप देख सकते कौन सा बुक्स है, आप भी रीड कर सकते। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी, आपको परचेस करना है तो सिंपल। यहाँ पे एक मेरा छोटा सा प्लेटफॉर्म है। अभी स्क्रीन यहाँ पे इतनी बड़ी लगा के रखी, इसके बाजू में अपोजिट डायरेक्शन में मैंने सोफा कम बेड रखा है। तो स्क्रीन इतने नियर से देखना पॉसिबल भी नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल जब भी मुझे एनालिसिस करना है तो आराम से बेड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे सामने अपोजिट में सोफा कम बेड है, तो अपोजिट में हम बैठ के आराम से एनालिसिस कर सकते हैं इवनिंग में, या मार्केट भी चल रहा है तो आराम से देख सकते हैं। तो एक पर्टिकुलर बड़ी स्क्रीन है, तो बड़ी स्क्रीन का बेनिफिट यही है कि इतना भी हम लोगों का डिस्टेंस बड़ा हो तो हम आराम से चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके अलावा भी मेरे पास और 2 स्क्रीन है, तो उस स्क्रीन की साइज क्या है, उसका यूज क्या है, तो आगे ये वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ चार्ट लगाए, ये चार्ट मैंने अमेजोन से परचेस किया, आपको किसी भी फोटोशॉप में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ चार्ट लगाए, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बुलिश चार्ट है, यहाँ पे बेरिश चार्ट है, यहाँ पे कैंडल स्टिक का नॉलेज है। ये चीजें मैंने यहाँ पे स्टिक किए, आप फोटो फ्रेम में भी एड कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने साउंड भी स्टिक किया है, मतलब साउंड लगा है, जो नीचे म्यूजिक सिस्टम लगा के रखा है। तो जो भी यूट्यूब के ऊपर मुझे कुछ देखना है या मुझे कोई म्यूजिक सुनना है, ट्रेडिंग करते समय मोस्टली बोर भी हो जाते हैं, कभी साइड वेज मार्केट होगा, तो यहाँ पे मैंने साउंड लगा के रखा है। तो ऐसा यहाँ पे मैंने एक अलग से प्लेटफॉर्म डिजाइन करके रखा है। यही ट्रेडिंग का जो भी ऑफिस है 2 पोर्शन में डिवाइड करके रखा है। तो दूसरा पोर्शन हम देखते, तो यहाँ पे दूसरा एक चार्ट लगा के रखा है। तो इस चार्ट के ऊपर जो भी स्ट्रेटर्जी वगैरह होती है ट्रेडिंग की वो है। यहाँ पे मैंने एक स्टैंड लगा के रखा है, एंड यहाँ पे उसके ऊपर आप देख सकते हैं कुछ अवार्ड्स या ट्रॉफीज है, जो भी मेरे कॉलेज लाइफ के अचीवमेंट है। यहाँ पे कुछ कॉलोनी के, देन यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा एक बुद्धा की मूर्ति होती है। जैसे इसका रीजन होता है, जैसे कि हम जब भी ट्रेडिंग करते हैं तो पीस ऑफ माइंड इसको देख के आ जाता है। तो आपने नोटिस भी किया होगा ये पुराने जो 500 के नोट्स है उससे बनी हुई है मूर्ति, आपने नोटिस भी किया होगा। देन ऐसे कुछ मैंने यहाँ पे रखा है, डेकोरेट करके रखा है, सिंपल ऐसा कुछ हमने डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे एक ग्रीन मैट लगा के रखा है, क्योंकि ये मेरा ऑफिस का बैक का लुक है। जब मैं सामने बैठती हूँ तो ये बैक में दिखता है। तो यहाँ पे मैंने ग्रीन ग्रास का मैट स्टिक किया वॉल के ऊपर, एंड उसके ऊपर मेरा जो भी लोगो है मैंने स्टिक किया, एक्रिलिक का लोगो है। तो सिंपल यहाँ पे एक लोगो स्टिक करके मेरा जो भी लोगो प्लस मेरा जो कंपनी का नेम है स्टॉक मार्ट प्रो, इवन इसका एप्लीकेशन भी है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते। मार्केट के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वहां पे आपको मिल जाएगी।
तो ये लोगो मैंने यहाँ पे स्टिक किया। देन आगे जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐसे दो स्क्रीन रखी अलग अलग, वहां पे एक सामने बड़ी स्क्रीन है अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे दो स्क्रीन है, उसका सीपीयू और बड़ा सीपीयू यहाँ पे रखा है। तो कुछ यहाँ पे हमने बड़ा टेबल रखा है तो कस्टमाइज करके लिया है टेबल, एंड उसके ऊपर क्योंकि कस्टमाइज क्यों किया है, ऊपर जो भी स्क्रीन रखनी क्या क्या चीजें रखनी उसके अकॉर्डिंग हमने टेबल डिजाइन किया है। एक हैदराबाद में लोकल शॉप से कस्टमाइज किया है सिंपल, उसके ऊपर दो स्क्रीन भी रखी है एंड सीपीयू भी रखा है उसके ऊपर, एंड एक ही सीपीयू के ऊपर दोनों स्क्रीन कनेक्ट है। तो आगे मैं जाके आपको वीडियो में ये भी एक्सप्लेन करूंगी कि एक सीपीयू के ऊपर दो या तीन चार स्क्रीन हम कैसे कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने सीपीयू रखा है स्पेशली, सीपीयू आप अमेजन के ऊपर परचेस करोगे तो आराम से आपको 1,80,000 में मिल जाएगा, बट आप कस्टमाइज शॉप से करोगे तो आपको कम प्राइस में मिलेगा। ट्रेडिंग के लिए एक्जैक्टली कौन सा सीपीयू रिक्वायरमेंट होता है, ट्रेडिंग के लिए गेमिंग सीपीयू रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि उसमें जो भी प्रोसेसर होता है वो बड़ा प्रोसेसर होता है, तो हमारे स्क्रीन या जो भी हम प्लेटफॉर्म यूज करें हैंग नहीं होते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 ग्राफिक कार्ड का यहाँ पे पोर्ट दिया है, HDMI पोर्ट बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे हम आराम से 5 स्क्रीन इसके ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब इन फ्यूचर में और भी 3 स्क्रीन लेके इसी सीपीयू के ऊपर रख सकती हूँ। एंड पर्टिकुलर इस सीपीयू का जो भी ग्राफिक कार्ड है इसमें 5 HDMI पोर्ट दे दिए, एंड इसमें जो भी 32 GB रैम रखा है, तो आप जब भी बड़े वीडियो एडिटिंग करोगे एंड देन उसके बाद आप ज्यादा स्क्रीन यूज करोगे तो आपका सिस्टम कभी भी हैंग नहीं होगा या स्लो भी नहीं होगा, ये मेन पर्पज है। अभी एक मैंने हैदराबाद में कस्टमाइज करके लिया, आप अमेजोन से ऊपर भी परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिए, बट आप कस्टमाइज करके लोगे तो आपको थोड़ा सा कम प्राइस में मिलेगा। हमें जैसे कि ये सीपीयू 1.50 में मिला, हमारे 30,000 यहाँ पे सेव हो गए, एंड आप अमेजोन के ऊपर भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने सैमसंग की दूसरी स्क्रीन है, 32 inches इसका साइज है, तो यहाँ पे स्क्रीन अराउंड 25,000 में समथिंग या 27,000 में हमने अराउंड लिए थी। देन उसके बाद यहाँ पे दूसरी एक मॉनिटर है, अभी ये नॉर्मल दोनों भी मॉनिटर है नॉर्मल है, जो हमने इससे पहले मॉनिटर देखा था स्मार्ट है। तो अभी ये पर्टिकुलर जो स्क्रीन हमने लिए 28 inches का सैमसंग का दूसरा मॉनिटर है, दो सब प्रोडक्ट सैमसंग के ही है। तो देन अभी यहाँ पे दो स्क्रीन क्यों रखी मेन पर्पज, क्योंकि यहाँ पे हमेशा निफ्टी का ग्राफ एंड वहाँ पे बैंक निफ्टी एंड वहाँ पे बड़े स्क्रीन के ऊपर निफ्टी का चार्ट लगता है, एंड जो भी मुझे पर्टिकुलर किसी स्टॉक में ट्रेड करना है या मैं ऑप्शन सेलिंग भी करती हूँ हेजिंग भी करती हूँ, तो उसका जो भी ऑप्शन का एनालिसिस ऑप्शन का डेटा मुझे बार बार देखना पड़ता है। आपको पता होगा ऑप्शन हेजिंग में डेटा चेंज होता है तो हमें हमारे हेजिंग की पोजीशन निकालनी पड़ती, तो उसके लिए मुझे पर्टिकुलर ऑप्शन चेन का डेटा दिन भर देखना ही पड़ता है। तो इस स्क्रीन के ऊपर ऑप्शन चेन प्लस यहाँ पे दोनों भी अलग अलग स्क्रीन के ऊपर अलग अलग जो मेरे अकॉर्डिंग में दिन भर यूज करती हूँ। अभी यहाँ पे दोनों भी एक चीज है जैसे कि एक ही कीबोर्ड एंड माउस के ऊपर कनेक्टेड ब्लूटूथ का कीबोर्ड एंड माउस है। तो सिंपल यहाँ पे जैसे कि मैंने इनिशियली आपको वीडियो में एक्सप्लेन किया था, एक ही सीपीयू के ऊपर दोनों भी स्क्रीन कनेक्ट है। तो जैसे कि यहाँ पे मुझे कुछ ऑपरेट करना है तो यहाँ पे मैं अलग से स्क्रीन ओपन कर सकती हूँ, एज इट इज इस स्क्रीन के ऊपर मुझे कुछ लगाना है तो यहाँ पे मैं अलग से चेंजेस कर सकती हूँ, मतलब एक ही माउस से दोनों भी चीजें अलग अलग ऑपरेट हो जाती है। यहाँ पे एक मैंने वॉच भी रखा है क्योंकि ट्रेडिंग करते समय आपको ये पार्ट पता होगा कि वॉच की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होती है, क्योंकि टाइम की प्लांट्स रखे है कुछ इस सीपीयू के ऊपर। तो उसके बाजू में कैलेंडर है, एक्सपायरी जब भी होती है हमें कैलेंडर मतलब हमारे सामने होना चाहिए, और कैलेंडर के ऊपर स्पेशली हाईलाइट आप सब एक्सपायरी कर सकते हैं। देन इस टेबल के ऊपर HP का एक लैपटॉप है, एंड HP का लैपटॉप है तो जैसे कि मैं डेली यूज करती हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ये सैमसंग का टैब रखा है मैंने, इनिशियली जब ट्रेडिंग करी थी तब परचेस किया था, अभी नाउ डे ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है। देन यहाँ पे मेरे पास एक एप्पल का आईपैड है, तो सिंपल ये आईपैड जैसे कि हम ट्रैवलिंग करें इजी टू कैरी है, एंड सिंपल यहाँ पे जो भी मुझे कुछ मेरे डीमैट अकाउंट जितने सारे लॉगिन करके इसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो भी देखना है इसके लिए भी यूज होता है, एंड इसका मैंने एक रिव्यू भी किया था आपको परचेस करना है तो ट्रेडिंग के लिए यूज है या नहीं है। तो एक आईपैड यहाँ पे मैंने रखा है, सिंपल यहाँ पे एक ब्लूटूथ रखा है मैंने, साउंड रखा है ब्लूटूथ का, एंड यहाँ पे कुछ जैसे कि मेरे मोबाइल है, जैसे कि मेरा पर्सनल मोबाइल है ये स्पेशली रील शूटिंग के लिए, एंड क्योंकि क्वालिटी ज्यादा है, एंड आईफोन है, आईफोन 13 प्रो मैक्स,
देन यहाँ पे भी वन प्लस का एक मोबाइल रखा है, जो भी मुझे स्टूडेंट को कुछ अपडेट्स देने तो उसके लिए स्पेशली मोबाइल है, एंड एक कॉलिंग का मोबाइल है, ओप्पो का पुराना मोबाइल है मेरा, इस मोबाइल से पहले मोबाइल मैंने परचेस किया था। या अभी यहाँ पे एक स्टैंड भी रखा है मैंने, मोबाइल होल्डर या स्टैंड भी बोलते हैं इसको, सिंपल हमें कुछ भी ट्रेडिंग लाइक हमारे यहाँ पे पीएनएल वगैरह कुछ देखना तो आराम से ऐसा कुछ करके देख सकते, आपको बेंड होने की जरूरत नहीं तो यहाँ पे आप स्टैंड के ऊपर रख सकते। एंड एक कुछ प्लेटफॉर्म मैंने बना के रखा है मेरे ट्रेडिंग का, आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कुछ बुक्स भी मैंने रखे हैं, तो सिंपल यहाँ पे ये बुक जब भी बोर होता है तो हम रीड कर सकते हैं या आपके फ्री टाइम में भी रीड कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये बुक रखा है यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे जो मैंने इनिशियली बुक रीड किए, तो जब भी मैंने इनिशियली जो बुक्स ट्रेडिंग के लिए रीड किए वो बुक भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, आप अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेरी नोटबुक है, जो भी मुझे इंट्राडे के लिए स्विंग के लिए जो भी चार्ट निकालने उस पर्टिकुलर नोटबुक में मैं नोट डाउन करती, ये मेरा ट्रेडिंग का जर्नल, इसमें जब जो भी मैं ट्रेडिंग करती उस जर्नल में सब नोट डाउन करके रखती, ऐसे बहुत सारे जर्नल है मेरे पास। तो ऐसा कुछ मैंने मेरा टेबल डिजाइन किया स्पेशली ट्रेडिंग का, इसके ऊपर दो स्क्रीन लगा के रखे एंड लैपटॉप, कुछ मोबाइल्स, आईपैड, टैब, कुछ बुक्स, एक कुछ चीजें यहाँ पे रखे। एंड यहाँ पर्टिकुलर इस चेयर के ऊपर बैठी हूँ, तो एक चेयर जैसे कि एक सुटेबल ऑफिस चेयर है एंड कंफर्टेबल चेयर है, अमेजोन के ऊपर से परचेस किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। सिंपल ऐसा कुछ टेबल हम लोगों ने डिजाइन करके रखा है। तो अभी ये वीडियो में जैसे कि एंड में मैं कुछ चीजें भी आपको क्लियर करना चाहूंगी। इनिशियली जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था तब मेरे पास जस्ट एक मोबाइल था, उस मोबाइल के ऊपर इनिशियली मैंने ट्रेड करके कुछ प्रॉफिट कमाया, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक चीज वहां पे परचेस की है, मेरा इसमें जो भी ट्रेडिंग में से मुझे प्रॉफिट आया उस सब प्रॉफिट से सब चीजें मैंने ले ले, मेरे खुद के पॉकेट से एक रुपए भी ऐड नहीं किया। तो आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे तब जाके सब आप इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं, अदरवाइज आप और आप प्रो लेवल में ट्रेडिंग करें तभी आपके लिए यूज है, अदरवाइज आप जस्ट इन्वेस्टमेंट करें या आप जस्ट स्विंग ट्रेडिंग करें तो आपके लिए यूज नहीं। आप इंट्राडे करें, आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, आप ऑप्शन हेजिंग करें, सेलिंग करें, तो इतने सारे। अभी कुछ यूट्यूबर का मानना या कुछ लोगों का मानना है कि इतने स्क्रीन की रिक्वायरमेंट नहीं होती ट्रेडिंग में, तो आप जस्ट एक मोबाइल से भी पैसे कमा सकते, लिटरली ये बात सही है। बट जब भी एक जस्ट एग्जांपल देती हूँ, आप कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हो तो पहले आपका बिजनेस बहुत छोटा होता है, तो जस्ट आप या एक या दो ही लोग काम करते हैं, तो ट्रेडिंग में भी आप जब प्रो लेवल में जाते हैं तो आपके पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनते हो। तो बिजनेस जैसे हम एक्सपांड करते तो देन हमारे बिजनेस में और लोग ऐड हो जाते हैं, तो वैसे ट्रेडिंग में भी हम जब प्रो लेवल में जाते हैं तो हमारे पास इतने सारे स्क्रीन होना रिक्वायरमेंट है। एंड यहाँ पे कुछ ऐसा मैंने सेटअप करके रखा है, तो आप इनिशियली प्रो लेवल में आने के बाद ये चीजें आराम आराम से परचेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने मैंने इस मंथ 1 लाख प्रॉफिट किया तो मुझे 20,000 का कुछ इंस्ट्रूमेंट लेना है, ऐसे कर करके ये सब चीजें मैंने कलेक्ट की है। आप इनिशियली जो भी मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया था मेरे ट्रेडिंग टूर का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी, जस्ट आप देख सकते, तब मेरे पास जस्ट एक स्क्रीन थी, देन बाकी ये सब। यहाँ पे मैंने सोफा कम बेड रखा है, जैसे कि कोई क्लाइंट आता है तो उनके लिए भी बैठने के लिए यूज होता है या फ्री टाइम में हमें भी यूज होता है। एंड जब भी ज्यादा टाइम हम मार्केट साइड बेड या हम बैठ नहीं सकते, तो जब भी यहाँ पे मैंने एक छोटा टेबल रखा है, स्टडी टेबल छोटा आता है मार्केट में, वहाँ पे जो मेरा सेकंड लैपटॉप होता है एक टेबल के ऊपर होता है और एक लैपटॉप यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे सिंपल ये लैपटॉप के ऊपर और सामने मेरी जो सबसे बड़ी स्क्रीन है, हमने इनिशियली देखी थी स्मार्ट मॉनिटर, तो यहाँ से हम आराम से देख लेते हैं। साइड में एग्जैक्टली बाजू में यहाँ पे टेबल भी रखा है, उस टेबल के ऊपर इस बेड के ऊपर से सोफा कम बेड के ऊपर से आराम से दिख भी जाता है, तो हम यहाँ से मतलब पूरे रूम का जो भी ऑफिस डिजाइन किया यहाँ पे पूरे इस बेड सोफा कम बेड के ऊपर बैठने के बाद पूरा मतलब 3 स्क्रीन आराम से देख सकते हैं। इस पर्पज से यहाँ पे सोफा कम बेड रखा है। एंड आपने देखा होगा मेरा छोटा बेटा भी, वो भी दिन भर यहाँ पे खेलता भी एंड आराम से उसका भी स्टडी यहाँ पे ही होता है, तो यहाँ पे हमने सोफा कम बेड छोटा सा रखा है। कुछ यहाँ पे प्लांट्स भी रखे हैं, कभी होते कभी नहीं होते प्लांट्स, तो कुछ प्लांट्स भी रखे यहाँ पे रूम में। सिंपल ऐसा कुछ मैंने मेरा सेटअप यहाँ पे डेवलप किया ट्रेडिंग। तो यहाँ पे मैंने मेरे यूट्यूब शूटिंग के लिए स्पेशली कैनन 90D का एक कैमरा भी लेके रखा है, तो कैमरा यहाँ पे मैं यूज करती हूँ यूट्यूब वीडियो शूटिंग के लिए, जब भी मुझे कोई शूट करना है, मार्केट एनालिसिस करना है, तो इस कैमरे के ऊपर हम लोग शूट करते हैं।
ऐसा कुछ मेरे ट्रेडिंग पूरा ट्रेडिंग का रूम है यहाँ पे, ऐसा मैंने कुछ डिजाइन करके रखा है मेरा पूरा सेटअप। एंड ये पर्टिकुलर जो भी चीजें मैंने परचेस कर ली है इसके पूरे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, कितने प्राइस में एग्जैक्टली क्या मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। सब जो भी मेरे स्क्रीन है, स्मार्ट मॉनिटर है, मेरा कैमरा है, देन लैपटॉप है, आईपैड है, इस सब चीजों की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, ए टू जेड लिंक दे दी, इंक्लूडिंग माउस कीबोर्ड, ये जो सीपीयू सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एग्जैक्टली कितने प्राइस कितने अमाउंट में पूरा सेटअप बनाए तो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में लिंक ऐड कर दिए। पर्टिकुलर ये सेटअप मैंने प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के बाद ही ले लिया। आप भी डेफिनेटली ट्राई करना एक सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, और आप भी ऐसा कुछ सेटअप परचेस कर सकते हैं। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आगे लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए।